नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं सांता क्रूज पश्चिम में। आज दिलीप कुमार जी की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ खास अतिथि उपस्थित है। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या क्या कुछ कहना है। कपिल कला केंद्र की तरफ से आज अभिनय सम्राट दिलीप कुमार जी की 100वीं जयंती पर यहाँ हम उनकी कब्र पर अभी हमने गुलदस्ता पेश की है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इस पर आज की श्रद्धांजलि सभा दो माने में खास हो गई है कि एक तो उन शतक वो अगर हयात में रहते, जीवित रहते, तो उनके जीवन के 100 साल पूरे करते। आज 100वीं जयंती है ये, और दूसरा ये कि 100वीं जयंती पर कपिल गीत कुशीनगर की तरफ से एक ऐसा नायाब तोहफा श्रद्धांजलि में उनको प्रस्तुत किया जा रहा है जो अब तक किसी ने नहीं किया। उनकी अभिनय की हुई 64, 63, 64, 65 फिल्मों के जो नाम है, टाइटल है, उस नाम को, पूरे नाम को गीत का आकार देकर हमने उस गीत को लिखा और खुद उस गीत को गाया भी है और आज ही के दिन जारी होगा। आज दिलीप साहब की जन्म शताब्दी है। वो संसार में होते तो पूरे 100 साल के होते। 2 साल पहले ईश्वर ने उनको हमसे छीन लिया और आज पूरा मुल्क उनको याद कर रहा है। उनके नाम से फिल्म फेस्टिवल हो रहा है पूरे भारत में और पूरा देश उनको याद कर रहा है। इस समय हम उनकी मज़ार पर यहाँ हैं, मुंबई सांता क्रूज में उनके मज़ार पर हम लोग आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो मौका खास इसलिए है कि उनके एक बहुत बड़े फ़ैन कहूँगा मैं, अपने आप में फिल्म प्रोड्यूसर हैं, गायक हैं, संगीतकार हैं, लेकिन इस समय मैं उनको सिर्फ इसी रूप में कहूँगा सबसे बड़े फ़ैन हैं दिलीप साहब के। वो हमारे कपिल देव खरवार हैं। कपिल देव खरवार ने अपने तरफ से अपने नायाब तरीके से उनको श्रद्धांजलि देने का तरीका अपनाया और उन्होंने उनकी जो 65 फिल्मों के नाम हैं उनको एक गाने में समाहित करके गाना बनाया है और आज ही के दिन वो गाना वो रिलीज़ कर रहे हैं। और रिलीज़ करने से पहले वो जैसे अपना अकीदा पेश करने आए हैं, अब जिनको मानते हैं दिलीप कुमार जी को, वो उनका उनका प्रेम है कि उन्होंने सोचा कि सबसे पहले हम सब वहाँ इकट्ठा हों जाकर के दिलीप साहब की मज़ार पर हमने सबने फूल अर्पित किया और उसके बाद वो गाना रिलीज़ करने जा रहे हैं। दिलीप साहब की मकबूलियत तो पूरे हिंदुस्तान में है। मैं चाहता हूँ कि कपिल भाई का भी ये गाना उसी तरह मकबूल हो और दिलीप साहब की रूह को ऊपर वाला जो है वो शांति दे अपने। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये मौका मिला है दिलीप कुमार जी की मज़ार पे आके उनको श्रद्धांजलि देने का। मैं तहे दिल से कपिल कला केंद्र का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें बुलाया इधर। और हर समय की तरह जैसे मोहम्मद रफ़ी जी की पुण्यतिथि रहती है, उनकी यहाँ जयंती रहती है, कपिल जी बगैर भूले वो समय पे बुला लेते हैं, उनका जो भी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रहता है वो करवाते हैं। कपिल जी का ये जो प्रेम और जो उनका बोलते हैं जो कला के प्रति उनकी जो आराधना है वो दिखाई देती है। चाहे वो आज आप देखेंगे कई दिलीप कुमार जी जब जीवन थे तो उनके आसपास सैकड़ों लोगों की उनके आजू बाजू में गर्दी थी। आज दुर्दैव है, आज उनकी जयंती है और आज इनकी कब्र के मज़ार के आजू बाजू में कुछ लोग नहीं हैं। ऐसे कुछ लोग हैं कपिल जी की तरह जो कलाकार को कलाकार होते हुए और कलाकार होने के बाद भी उनको याद रखते हैं। उनकी श्रद्धांजलि में कपिल जी ने एक बहुत सुंदर गीत लिखा है जो दिलीप साहब की हर एक फिल्म के ऊपर आधारित है। वो 65 गानों के ऊपर उन्होंने एक संगीत बनाया है। मैं चाहूँगा कि वो सफल होए, पूरे देश के लोग उस गीत को देखें और ये बोलते हैं कि एक तरह की श्रद्धांजलि जो एक कलाकार दे सकता है। ये तो कोई पैसा नहीं दे सकते या कुछ बांट नहीं सकते या कुछ कर नहीं पा रहे, मगर जो उनसे किया जा रहा है वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैं फिर से कपिल जी का शुक्रगुजार करूँगा कि हमें यहाँ पे बुलाया गया। धन्यवाद।
तो सुना आपने, आज दिलीप कुमार जी की 100वीं जयंती पर यहाँ पर सांता क्रूज पश्चिम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था यहाँ पर कब्रिस्तान में, और हमारे साथ प्रमुख अतिथियों ने बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा दिलीप कुमार के जीवन के बारे में और उनके बारे में। मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़, मुंबई।